हालत बहुत ख़राब है जनाब. सो या लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिकॉज आई एम गोना शेयर वेरी गुड प्रोडक्ट्स विद यू. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल्स, हाउ आर यू टुडे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ आर यू डूइंग टुडे. सो हम लोग करने लगे हैं अपनी ज़बरदस्त किस्म की फेशियल और यू कैन से डीप क्लिनजिंग काइंड ऑफ रूटीन विद यू. सबसे पहले मैं करूँगी ब्लीच, और ये थी जी वैला की ब्लीच, बहुत स्ट्रॉन्ग थी. आई रियली क्विकली हैव टू रिमूव इट क्योंकि ये बहुत टिंगलिंग दे रही थी. सो या इट वॉज रिजल्ट वॉज गुड एंड क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग. उसके बाद जी मुझे लव दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ एन एक्सफोलिएटर, राइस एक्सफोलिएटर. बहुत मज़े की प्रोडक्ट है. आई रियली फील गुड अबाउट आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट. या दिस इज़ अ मस्ट बाय बिकॉज इट रिमूव्स माई डेड स्किन. अच्छा जी, उसके बाद व्हेन आई एम स्क्वीकी क्लीन आई एम गोना क्लींज एंड दिस इज़ अ डबल क्लींजर. और दीज डेज आई एम लविंग दिस टूल. ये बहुत मज़े की क्लींजिंग करता है. इट्स ऑल्सो अ मस्ट बाय. अच्छा जी, मैंने आधी वॉइस ओवर की थी और देन आई हैव टू गो, और अब मैं जब दोबारा करने बैठी हूँ ना तो मुझे फ्लू हो गया. उन 200 बंदा की करे. अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. अच्छा जी, मैंने अपना जो क्लींजर था मैंने वो साफ किया है विद अ वाइप. ये तो आपको नज़र भी आ रहा है. व्हाई डू आई हैव टू से दैट? बाय द वे, यू डू नीड टू वाइप योर क्लींजिंग. उसके बाद टोनर अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करें. ये आपकी स्किन को रेडी करता है फॉर द नेक्स्ट स्टेप. या आई यूज टू टोनर्स, दिस रोज़वे फेरी टोनर, और ये यू नो काइंड ऑफ थिक फॉर्म में है विच इज़ वेरी गुड. देन आई एम गोना यूज दिस हिमानी स्क्रब. इट्स अ स्ट्रॉबेरी स्क्रब. बहुत मज़े की स्मेल है. इट एक्सफोलिएट्स योर स्किन वेरी जेंटली. जो आपकी स्किन पे अभी हमने क्लिनजिंग की है उसमें जो ऑयल वगैरह मेल्ट हुआ है ये उसको रिमूव करेगा क्योंकि हम डेड स्किन तो ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं. अच्छा, ये 2-in-1 ब्रश, आई डू हैव अ कम्प्लीट वीडियो ऑन इट. आई विल पुट इट इन द आई बटन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट. उसके बाद मसाज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाज का ये मसाज क्रीम मेरे पास बहुत पुराना है. आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा पुराना. आई नीड टू थ्रो इट आउट, बट इट्स वर्किंग, इट्स नॉट गिविंग मी एनी हार्म, तो लेट्स यूज इट. अच्छा जी, अपनी स्किन को मसाज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर स्किप दिस पार्ट. हम लोग अक्सर फेशियल में फेस मसाजर्स यूज़ नहीं करते. अगर आप के पास कोई फैंसी टूल नहीं है जिस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ, देन योर हैंड्स कैन वर्क परफेक्टली फाइन. But these tools does give you an extra effect and relaxes you. That's the whole purpose of it. You apni skin ko relax karna hai, apni skin ko pamper karna hai, usko treat karna hai, then you will definitely feel good about your skin and yourself. So that's my little tip for you guys. Whenever you're doing your facial, feel good about yourself. उसके बाद जी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ओले का टोनर. आई डू हैव लॉट्स ऑफ टोनर्स क्योंकि सिंस आई हैव डिस्कवर टोनर्स आई जस्ट कांट स्टॉप यूजिंग इट. फ्लू हो गया मुझे, अल्लाह मेरे पर हक में बेहतर फरमाए. अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे FW ऑर्गेनिक का दिस क्ले मास्क यूज़ कर रही हूँ जो बहुत मज़े का है. इतना मज़े का है कि मुझे डांस निकल रहा है मेरा कुछ ज़्यादा ही. अच्छा जी, एज यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट आई डज फील रियली गुड. नाउ द बेस्ट पार्ट, आफ्टर ऑल दैट फैशन हमने इतनी सफाई इसलिए की है टू पुट ऑन सम गुड स्टफ. यस, लेट्स स्टार्ट दैट. ये कुछ एक थोड़ा सा मैसेज है जो मुझे ज़रूर देना था. अच्छा, ये छोटी सी फेस फ्रेश की बॉटल है जिसके अंदर है जी एम्प्योल्स. याद रखें, अगर आपके पास एम्प्योल्स हैं तो वो सबसे पहले आपकी स्किन पर जाएगा. उसके बाद हम यूज़ करेंगे एसेंस. एंड यस, वी कैन यूज़ मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सीरम्स ऑन आवर फेसेस. अच्छा, इनमें कुछ एसेंस है, कुछ एम्प्योल्स हैं और कुछ सीरम्स हैं. तो ये इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सीरम. अच्छा, इनके मॉलिक्यूल्स में फ़र्क होता है इसलिए इस तरतीब से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. आई डू हैव अ कम्प्लीट वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई फेस सीरम्स. आई विल पुट इन द आई बटन इफ़ यू वॉन्ट टू नो. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेस ऑयल्स. येस, फेस ऑयल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई डू हैव अ ऑयली स्किन और फेस ऑयल्स आपकी स्किन को इतना अच्छा रखते हैं कि आपकी स्किन पे ऑयल नहीं आता. इसके बाद जी मैंने ये एक फार्मूला क्रीम है जो अप्लाई की थी. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यू नो
वॉन्ट टू नो द सीक्रेट ऑफ दिस फार्मूला क्रीम आई विल शेयर विद यू गाइज. और इसके बाद जी मैंने ये लुक क्रिएट की थी एंड माई स्किन फील्स सो बेटर. आई कैन प्रोमिस यू गाइज मैंने कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया. डू हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. अल्लाह हाफिज़.